हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बनाए गए एकमात्र इंडिविजुअल चैनल रिटायरमेंट गुरु। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी जा रही है एनपीएस में बैंक अकाउंट अपडेट करने से रिलेटेड। ये सबसे ज़्यादा क्वेरीज उनकी है जिनका अकाउंट गवर्नमेंट का है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो लोग क्या है, बैंक डिटेल ऑनलाइन चेंज करके ई साइन करने के बाद भी उनकी बैंक डिटेल शो करती है मॉडिफिकेशन पेंडिंग। अब यहाँ पे जब उस पर क्लिक किया जाता है, जैसे कि आपको पता है, जो अपन एनपीएस के अंदर बैंक डिटेल चेंज करते हैं उसके लिए डायरेक्ट अपन डेमोग्राफिक चेंज में जाते हैं, अपडेट पर्सनल डिटेल एंड अपडेट बैंक डिटेल। उसमें टीयर वन, अपन टीयर वन में करना है तो अपन को टीयर वन सेलेक्ट करा और उसके बाद में हम बैंक डिटेल एंटर करते हैं। उसके बाद में ई साइन करते हैं अपना चेक वेक जो भी होता है पासबुक अपलोड करके। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा ये जो ट्यूटोरियल है या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साइड में, ऐसे करके हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद में हमें आधार ई साइन करना होता है। ई साइन करने के बाद भी वो मॉडिफिकेशन पेंडिंग शो करता है और उसके बाद हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक वो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि हमारा जो ये मॉडिफिकेशन पेंडिंग शो कर रहा है ये वेरीफाई शो कर रहा है। हम जब स्टेटस में ओपन करते हैं तो पेंडिंग शो करता है, ई साइन डन एंड पेंडिंग। अब यहाँ पे जब आपका वेरीफाई शो करेगा या ऑथोराइज शो करेगा तभी आपकी बैंक डिटेल है वो एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम में अपडेट होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको मैंने स्टेप बताए वैसे आप चेंज करेंगे, ई साइन करेंगे, उसके बाद में ई साइन का फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको आपको प्रिंट करना है। उसके साथ में जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया उस बैंक अकाउंट की आपके पास अगर चेकबुक है तो उसका कैंसिल चेक ओरिजिनल लगाना है उस ई साइन फॉर्म के साथ में। अगर चेकबुक नहीं है तो पासबुक को सेल्फ अटेस्टेड करके, पासबुक की फोटोकॉपी निकाल के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको हमें ई साइन फॉर्म के साथ में लगाना है। और उसके बाद में हमारा जो DDO ऑफिस है, अब इसके बारे में बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई है उनके लिए DDO ऑफिस एनपीएस का काम करता है। अगर दूर दराज के तो उनका ट्रेजरी ऑफिस या फिर ESI या जो आपका पेंशन फंड्स होता है या इंश्योरेंस ऑफिस होता है, इसमें से कोई एक ऑफिस होता है जिसका आपको पता करना है अपने डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट से आप पता करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एनपीएस से रिलेटेड काम है आपके डिपार्टमेंट का कौन करता है। उसके पास में उस फॉर्म को आपको लेके जाना है और वहाँ पे आपको उसे बताना है कि मैंने ये जो ऑनलाइन बैंक डिटेल है वो मॉडिफाई किया था, इसको आपको ऑथोराइज करना है। इसके दो तरीके, एक आप S2 फॉर्म भर के डायरेक्ट भेज सकते हैं, वो भी आपको अपने DDO पे ही भेजना पड़ेगा। और DDO पे भेजने के बावजूद भी वो मॉडिफिकेशन पेंडिंग शो कर रहा है, उसके बाद आप मुझे कॉल नहीं करें। लोग बहुत सारे जो मुझे कॉल करते हैं, हमने DDO में भेज दिया, नोडल ऑफिस में भेज दिया, ट्रेजडी में भेज दिया, उसके बाद भी पेंडिंग शो कर रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा जब वो लोग काम नहीं कर रहा है, जब वहाँ पे बैठा व्यक्ति है उसको ऑथोराइज नहीं कर रहा है, तो उसमें मैं या कोई गवर्नमेंट या कोई भी कस्टमर केयर उसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको वहाँ पे जाके उसको ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई करवाते ही आपके एनपीएस अकाउंट में जो बैंक अकाउंट आपने चेंज किया है वो अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये दोनों चीज़ों में, ओल्ड सिटीज मॉडल में अगर आपका अकाउंट है तब भी अब ई साइन फॉर्म भेजना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पीछे घपले हुए थे कि आप चेक किसी और का अपलोड कर देते हैं, पासबुक किसी और की अपलोड कर देते हैं, तो वो वेरीफाई करने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं। ई साइन से आप वेरीफाई नहीं होता है, वेरीफाई के लिए फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा ई साइन फॉर्म, उसी के बाद ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो मॉडिफाई होगा। अगर आपने पहले चेंज कर लिया है तो आपको बता दूं कि आप वापस अपडेट स्टेटस में जाएंगे बैंक डिटेल वाले में, उसमें जाने के बाद आपको ई साइन डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, सिग्नेचर वगैरह कहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें कैंसिल चेक या फिर पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है और उसे अपने DDO या फिर नोडल ऑफिस या फिर ट्रेजरी ऑफिस या फिर आपका जो भी बीमा ऑफिस वगैरह कुछ भी है जहाँ एनपीएस का काम होता है वहाँ लेके जाइए, उनसे ऑथोराइज करवाइए, इसी से ही आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, धन्यवाद।